नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। लंबे समय बाद वीडियो जो है अपलोड हो रही है, उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। ज़्यादा व्यस्त थे उसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाए। आज हम रिव्यू करेंगे 72 वोल्ट में 4 किलोवाट पीएमएसएम दताई बाइक कन्वर्जन किट का। ये 4 किलोवाट की मोटर है, सेम ऐसी जो है 3 किलोवाट की भी आती है, ये वाली जो है 4 किलोवाट है। ये पीएमएसएम है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, 6 फेज की डीसी मोटर ही होती है ये। एसी इंडक्शन अलग टाइप होती है, बीएलडीसी अलग होती है, वो 3 वायर की आती है, 3 वायर की, लेकिन ये पीएमएसएम है, ये 6 वायर की आती है। हाई एफिशिएंट होती है, बीएलडीसी और एसी इंडक्शन की तुलना में कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इसकी। हमने 3 किलोवाट का वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा भी हो, कोई बात नहीं देखा तो आप 4 किलोवाट देख सकते हैं। ये इसका एक्सीलेटर है, हैंड एक्सीलेटर। अगर किसी को पैडल वाला चाहिए तो वो भी मिल सकता है, कुछ गो कार्ट वगैरह में लगाने के लिए पैडल वाला एक्सीलेटर चाहिए होता है। आप इस मोटर को गो कार्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी माउंटिंग जो है दूसरी मिड ड्राइव मोटर की तुलना में आसान है। इस पर स्प्रोकेट लगता है, 13 टीथ का आप स्प्रोकेट लगाइएगा, और पीछे जो है 50 या उससे ऊपर टीथ का आपको कोई भी स्प्रोकेट मिले आप वो लगाइएगा। 50 टीथ से नीचे तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि गियर रेशियो आपको बड़े से बड़ा रखना है। जितना बड़ा गियर रेशियो रखोगे उतना अच्छा रहेगा, टॉर्क भी बढ़िया मिलेगा, लोडिंग कैपेसिटी भी मिलेगी, माइलेज भी मिलेगी, और मोटर हीट भी नहीं होगी। इनकरेक्ट गियर रेशियो होगा तो आप हर चीज़ को खो देंगे। तो करेक्ट गियर रेशियो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक तरह से मैंडेटरी आप कह सकते हैं। चलिए एक एक करके आपको डिटेल देते हैं। मोटर के आरपीएम जो है 4500 के आसपास है, और इसका रेटेड टॉर्क जो है 8.48 न्यूटन मीटर, पीक टॉर्क जो है 17 न्यूटन मीटर, पीक पावर जो है इसकी 8 किलोवाट तक है, वो 30 सेकंड के लिए होती है। 8 किलोवाट 30 सेकंड के लिए, वो कम भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करते हैं क्या आप किस तरह से चला रहे हैं, क्या लोड अपने डाल रखा है ऊपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मोटर पूरी तरह से कॉपर वाइंडिंग में है, और वेट जो है इसका नेट वेट 15.3 केजी है। ओनली मोटर की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली मोटर का वेट 15.3 केजी है। नॉर्मली जो मोटर होती हैं उनका वेट कम होता है, इससे दिखने में हो सकता है सेम साइज़ हो, पर इसका वेट जो है उनसे कहीं ज़्यादा है, 3-4-5 किलो तक भी ज़्यादा है। ये 6 फेज में है, ये यहाँ से वायर जो है कनेक्ट किए हुए हैं, ताकि मान लीजिए आप इसको गलती से भी ओवरलोड कर देते हैं तो इसके जो ये आगे वाले वायर हैं ये टूट जाएंगे, मतलब कट जाएंगे अपने आप ही जल के, और मोटर को कोई भी आँच पहुँचेगी नहीं। इन वायर की तुलना में यहाँ पर जो वायर लगे हुए हैं पीछे की तरफ, मैंने आपको दिखाया, वो बहुत ही हार्ड वायर हैं, मोटे भी हैं हार्ड भी हैं, तो ये सेफ्टी फीचर है एक तरह से आप कह सकते हैं। ये कंट्रोलर की वायरिंग है, बिल्कुल कलर टू कलर मैच करके आपको कनेक्ट करना है, कहीं कोई गलती ना हो। मेन पॉजिटिव नेगेटिव देने से पहले आपको सभी कनेक्शन दो बार चेक करने हैं। मोटर पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, अगर आप इसको पानी में डुबो के चलाएंगे तब भी ये ऐसी ही चलती रहेगी, 96% एफिशिएंसी है। और मैंने आपको दिखा दिया कि ये कितनी साइलेंट चलती है, बहुत ही नाम मात्र की आवाज़ आती है इसकी, कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं है। हैवी ड्यूटी मोटर है और एयर कूलिंग डिज़ाइन के साथ है, ये एयर कूल्ड मोटर है। कुछ मोटरें वाटर कूल्ड होती हैं, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है वाटर कूल्ड बनने की, ये एयर कूल सही है। वो वाली मोटरें जो है थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ी हो जाती हैं, ये साइज़ में कम है तो इसको फिटिंग करना भी आसान है। पीछे इसके कूलिंग फैन भी नहीं है, क्योंकि उससे इसका साइज़ बढ़ जाता तो वो हटा दिया गया है। बाइक जो है आमतौर पर ज़्यादा स्पीड पे चलती है, इसलिए कूलिंग फैन की इसमें ज़रूरत नहीं है। मोटर की लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर, गोलाई में जो है 55 सेंटीमीटर, तो आप इसका डायमीटर या रेडियस जो भी आपको निकालना है निकाल लीजिएगा 2πr लगा के। हाफ स्पीड रहेगी रिवर्स मोड में, और
इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आप मतलब समझते हैं, जैसे ही आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे ये जो है मोटर पावर जनरेट करेगी, और मोटर पावर जनरेट करके कंट्रोलर को देगी, कंट्रोलर उसको बैटरी को सप्लाई करेगा, तो उससे बैटरी चार्ज होती है। रिवर्स रीजनरेटिव, एक तरह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आप जो है इससे 25-30 एम्पीयर तक का भी कंटिन्यू करंट ले सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा पावर वापस आपको देगी। वो गियर रेशियो पे भी डिपेंड करेगा, जितना बड़ा गियर रेशियो होगा उसके हिसाब से ये आपको आउटपुट भी देगी, क्योंकि उसमें मोटर को आरपीएम ज़्यादा मिल जाते हैं फिर वो पावर भी ज़्यादा जनरेट करती है, ये आप सभी संभवतः जानते ही होंगे, ये कोई बताने की बात नहीं है। ये इसका बैटरी मीटर है, बैटरी वोल्टेज, बैटरी लेवल और परसेंटेज तीनों चीज़ दिखाएगा। छोटा सा मीटर है, आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। स्पीड आपका वही मीटर दिखाएगा जो पहले से लगा हुआ है, क्योंकि वो आगे वाले पहिए से जुड़ा रहता है और ये तो पीछे वाले में जुड़ेगी, इसलिए स्पीड की आप टेंशन ना लें, जो आपको पहले दिखा रहा था वही दिखेगा। ये NDR स्विच है, न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स। न्यूट्रल में आप जो है इसको नहीं चला सकते, ये एकदम न्यूट्रल रहेगी, एक्सेलेटर आप देते रहें चाहिए, कुछ नहीं होगा, चलेगी नहीं। ये 1-2-3 इलेक्ट्रॉनिक स्पीड है, अगर आप फर्स्ट मोड में चलाते हैं तो वो माइलेज आपको जो है ज़्यादा मिलती है। आपने देखा होगा इको सिस्टम, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, कुछ इस तरह से मोड होते हैं गाड़ियों में, कुछ इसी तरह का ये है। इसको 1-2-3 नाम दे दिया, बस इतना ही है। ये ब्रेक स्विच है कट ऑफ करने के लिए और रीजनरेटिव ब्रेकिंग को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए। ये DC-DC कन्वर्टर है, लाइट इंडिकेटर हॉर्न वगैरह के लिए। 72 वोल्ट को 12 वोल्ट 20 एम्पियर यानी कि 240 वाट में कन्वर्ट करेगा। इसमें एक फ्यूज सिस्टम भी दे रखा है। ब्लैक कॉमन है इनपुट और आउटपुट के लिए, ग्रीन 12 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट, रेड 72 वोल्ट पॉजिटिव इनपुट, ब्लैक कॉमन रहेगा। ये चार्जिंग सॉकेट है बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर के थ्रू। ये इग्निशन की है ऑन ऑफ करने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर लगभग मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए हुए होंगे। इसका प्राइस भी आपको वहाँ पर दिख जाएगा और क्या क्या आइटम इंक्लूड है वो भी दिख जाएगा। टोटल 10 आइटम है, बैटरी और चार्जर किट में इंक्लूड नहीं है। वेट मैंने आपको बता दिया, 15.3 kg है ओनली मोटर का। कंट्रोलर का वेट जो है 2.7 kg के आसपास है। आप इसको 60 वोल्ट में चलाना चाहते हैं तो ये 60 वोल्ट में भी चलेगी, लेकिन स्पीड जो है कम हो जाएगी। 5 किलोवाट तक सेम कंट्रोलर होता है, तो आप इसको 4 किलोवाट में यूज कर सकते हैं, 3 में भी। और लिमिटेड करंट इसका 120-150 एम्पियर है। 150 एम्पियर ये 5 किलोवाट में जाता है, आप वाले में 140 के आसपास तक जाएगा, पीक करंट की मैं बात कर रहा हूँ। पी करंट कोई ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, और इसमें आपको MCB लगानी है, DC MCB। स्पीड की बात की जाए तो नॉर्मल जैसे 100 cc तक की आप अगर कोई बाइक में लगाते हैं तो आपको 100 kmph 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड मिल जाएगी। अगर लोड ज़्यादा रहता है तो स्पीड जो है कम हो जाएगी, 90-85 इस तरह से। और मैक्सिमम आप इसको जो है 180 cc तक की बाइक में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गियर रेशियो आपको ऐसा रखना है कि मोटर पे लोड ना पड़े ज़्यादा, वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी कम रह जाएगी क्योंकि इसका वज़न जो है वो ज़्यादा होता है 100 cc की तुलना में। लोडिंग कैपेसिटी इसकी बाइक के वेट के अलावा, बाइक का वेट मान लीजिए आप 100-130 kg के आसपास तक हो, तो उसके अलावा 200-250 kg 250 kg तक मैक्सिमम लोड ये कैरी कर सकती है। अगर आप हिली एरिया में रहते हैं तो गियर रेशियो जो है बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। लगभग डिटेल मैंने आपको दे ही दिया है, फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
दताई की है, डीटी दताई 146, ये सीरीज होती है इसकी, और ये पावर वगैरह लिखी गई है 2023 में पाँचवें महीने में ये बनी है, और इसका कोई ये कोड वगैरह है। हाथ से घुमाने पर थोड़ी सी ये टाइट घूमती है, ऐसे नहीं कि आपने घुमा दी तो ये घूमती रहेगी, रुक जाएगी तुरंत। ये इसका कवर है, कंट्रोलर का कवर है, धूल मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए। कंट्रोलर जो है वाटर रेजिस्टेंट है, पानी से आप वैसे बचा के रखिएगा, लेकिन ऐसी जगह पर रखना है जहाँ हवा जो है इसको डायरेक्ट लगे, ताकि ये ठंडा रहे, गर्म ना हो, उससे इसकी लाइफ अच्छी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो है हट गया है वायर, इसलिए ये बंद हो गया, चलो हटने दो। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं।